तीन दिवसीय भोजपुरोत्सव शुक्रवार से शुरू हो चुका है। भोजपुर मंदिर परिसर में आयोजित उत्सव का शुभारंभ पर्यटन और संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा ने किया। इस मौके पर सुरेंद्र पटवा ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार मध्य प्रदेश आए, जिसमें से 4 कार्यक्रम संस्कृति विभाग के ही थे। उत्सव के पहले दिन भगवान शिव पर केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई और पार्श्व गायिका अलका याग्निक और उनके ग्रुप ने भक्ति संगीत से समापन। यहाँ आज पहली प्रस्तुति आपको बता दें कि भोजपुर उत्सव में आज पारंपरिक नृत्य बधाई की प्रस्तुति होगी और पार्श्व गायक कुमार सानू अपनी मखमली आवाज का जादू बिखरेंगे। आखिरी दिन कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें अशोक चक्रधर, अरुण जैमिनी जैसे जाने माने कवि हिस्सा लेंगे। साथ ही ओडिशा के पारंपरिक नृत्य गोटीपुआ की प्रस्तुति होगी।